नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अननोन लर्नर्स की एक और वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिल बेचारा मूवी के बारे में, इसका रिव्यू कैसा और आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। डाउनलोड करना इसका बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो उसको मैं लास्ट में बताता हूँ। पहले इसके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। यार, इसका जो रिव्यू है ना, मेन बात है इसका कास्ट, क्योंकि इसमें यार आपको सुशांत सिंह राजपूत, संजना सांगी, सैफ अली खान, इन सब की बहुत ही अच्छी एक आपको मेल देखने मिलने वाला है। और आपको और भी बताता चलूँ तो ये हॉलीवुड मूवी जैसे कि द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, उससे प्रेरित होकर पूरी बनाई गई है। ये कोई कॉपी होके नहीं बनी है, ठीक है, उनका कॉपीराइट इन्होंने लिया है तब ये मूवी बनाई गई है। खास बात ये भी है कि ये हॉटस्टार जब अब अपग्रेड हो चुका है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार बन चुका है, उसके बाद ये पहली मूवी होगी जो कि अब रिलीज होने वाली है। म्यूजिक की बात करें तो यार एआर रहमान जी ने इसमें अपना म्यूजिक दिया, तो यार कुछ खास तो होगा ही। फॉक्सस्टार स्टूडियोज द्वारा ये प्रोड्यूस हुई है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी खास चीज़ रहने वाली है। और भी अगर मैं मूवी के बारे में बात करूं तो इसकी यार जो लोकेशन है, क्योंकि इसकी पूरी जो लोकेशन है इंडिया में नहीं है, मेनली इसकी जो लोकेशन थी वो पूरी फॉरेन कंट्रीज़ में की गई है। और बेतहाशा बहुत ही अच्छा काम सुशांत सिंह राजपूत द्वारा आपको देखने मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे दुनिया में नहीं रहे, लेकिन यार उन्होंने एक बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी है अपनी इस मूवी से, क्योंकि इस मूवी से आपको सीखने मिलेगा बहुत कुछ। इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी देख सकते हैं आप, 9.8 चल रही है, ठीक है। तो जितने भी दर्शकों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, इसकी ये जो मूवी थी ये बहुत ही ज़्यादा अवेटेड भी रही है, क्योंकि सब इसको देखना चाहते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की ये आखिरी मूवी अब थी, ठीक है। और भी अगर मैं बातें बताता चलूँ इस मूवी के बारे में, तो यार इसकी जो कास्ट में संजना सांगी है, उनकी ये मूवी जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें। अगर आप इसमें देखेंगे कि वो भी कैंसर से प्रेरित थी, सॉरी एक मैंने स्पॉइलर दे दिया, बट वो भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। जो ओरिजिनल इसकी मूवी है उससे थोड़ा बहुत आपको चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डायरेक्टर्स ने इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाया गया है, ठीक है। तो थोड़ा आपको इसमें मज़ा और भी आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आपने इसका पहला ओरिजिनल देख चुके हैं पार्ट, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। अब मैं आपको बता दूँ कि अब आप इस मूवी को आप डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, इसको डाउनलोड करने का कोई सिंपलेस्ट मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। कुछ भी आपको करना नहीं है, आपको बस ये जो यूट्यूब वीडियो देखा है ना आपने, आपको इसी में अब आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, जो डिस्क्रिप्शन है, जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, इसी एरो को क्लिक करिएगा आप, तो आपको नीचे एक और आपका बॉक्स खुल जाएगा, और उसमें मैंने पहली लाइन में रख के रखा है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। धन्यवाद।